जी हाँ, राखी गढ़ी को वर्ल्ड टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या को कौन सुनेगा, जो दशकों से यहाँ रहते आ रहे हैं, जिनके पास ना कोई ठिकाना है और ना ही छत मिल पाने की उम्मीदें हैं। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। पुरातत्व विभाग की ओर से नारनौंद के गांव राखी गढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया। पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी को हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा गांव बताया है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग ने इस गांव को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इस गाँव को खाली कराने की अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस गाँव को 6 जनवरी तक खाली कराने का आदेश दिया। आज कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने गांव को खाली कराने की कवायद शुरू की, जिसके बाद प्रशासन को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आज प्रशासन ने गांव को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ये उनके खून पसीने की कमाई है, जिसको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। दरअसल ये गांव हड़प्पा संस्कृति से ताल्लुक रखता है और पुरातत्व विभाग के अंडर आता है, और पुरातत्व विभाग ने इस गांव को हेरिटेज स्थल घोषित किया है। अब गांव वालों को 200 से ज्यादा घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। आप जी मर जाएंगे, हमें तो हमारा कब्जा नहीं छोड़ेंगे, क्या करोगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे और घर नहीं पाटन देंगे, हमारे बच्चे हम देख लो क्या रोड पर बिठाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मकान खाली करने को लेकर बीते दिनों कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। बिना ग्रामीणों की मांगे पूरी किए ही प्रशासन 200 से अधिक घरों को खाली कराने के लिए आ गया। सरकार के इस रवैये से ग्रामीणों को लगता है कि सरकार इन 200 से अधिक परिवारों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। वहीं प्रशासन इतना अलर्ट है कि कोर्ट का नोटिस आते ही प्रशासन समय पर गांव खाली कराने पहुंच गया, जबकि इतने दिनों से इन ग्रामीणों की मांग न तो किसी अधिकारी ने सुनी और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने पहुंचा। अब देखना होगा कि क्या सरकार संजीदा है इतने परिवारों के लिए, या फिर सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही बहुत है। हालांकि आज प्रशासन की गाँव को खाली कराने की मुहिम सिर नहीं चढ़ पाई। देखना होगा कि 6 जनवरी को इन परिवारों को इंसाफ मिलता है या प्रशासन इन परिवारों का आशियाना उजाड़ देगा। खबरें अभी तक के लिए नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट। तो परेशानी वाकई बड़ी है और इसी परेशानी को लेकर खबरें अभी तक के संवाददाता अजय लोहान ने राखी गढ़ी के परिवारों के बीच जाकर उनसे बातचीत की, वो सुने। अभी हम खड़े हैं हरियाणा के उसी प्रसिद्ध गांव के अंदर जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान है, लेकिन अब यह स्थान यहां के निवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करता जा रहा है। आप हमारे साथ यहां पे देख सकते हो कि राखी गढ़ी के 36 बिरादरी के लोग ही नहीं बल्कि 12 खाप के अंदर आने वाले सभी गांव के मौजूद लोग आज यहां धरने पर बैठे हुए हैं। काफी लंबी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी यहां पे पहुंची हुई हैं। इन सबका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में एक भी मकान हम नहीं तोड़ने देंगे। हालांकि प्रशासन से इनकी बात हुई है, प्रशासन ने इनको ये कहा था, ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी हर तरह से सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ इनके साथ झूठे वायदे किए हैं। अब इनका प्रशासन की बातों से विश्वास उठ चुका है। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक हमारे को हर तरह से सहयोग नहीं मिलेगा प्रशासन का, तब तक हम किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने यहां तक भी चेतावनी दे दी है कि हम चाहे अपनी जान की हमें बाजी लगानी पड़े, हमें चाहे बुलडोजर के आगे लेटना पड़े, हमें चाहे पीले पंजे के आगे झुकना पड़े, लेकिन किसी भी हाल में एक भी मकान तो दूर की बात, एक भी ईंट हम नहीं टूटने देंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार प्रशासन इन ग्रामीणों की किस प्रकार से सहायता कर पाता है, लेकिन इन ग्रामीणों की मांग के आगे कहीं न कहीं प्रशासन झुकता हुआ नजर आता है।
नारुण से कैमरामैन रोहित के साथ अजय लोहान, खबरें अभी तक। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष ढूंढे जाएं वो भी बेहद जरूरी है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए वो भी जरूरी है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी है कि ये ग्रामीण आखिरकार जाएं कहां, जिनके मकान अगर छिन जाते हैं, जिनके घर नहीं होंगे तो उनको छत दिए जाने की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल का जवाब लेंगे, कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ बड़ी बात में, डॉक्टर सनवारिया साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे चर्चा में, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ केवल ढींगरा हैं, प्रवीण अत्री इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रताप सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चर्चा में, साथ ही रणवीर शास्त्री पुरातत्व विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। बीजेपी की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, सनवारिया साहब क्या कुछ कहेंगे जो तस्वीरें आपने देखी, जो सुना भी कि मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सारे हरियाणा वासी और सारे वर्ल्ड हिंदुस्तान के लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई वेस्टेड पावर्स होती हैं कोई अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका ध्यान में रूल 30 ऑफ पंजाब एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स रूल 1965 की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब भी कोई एक ऐसी चीज़ जो पुरातत्व विभाग में आती है तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई करता है, और ये कोई मामला आज का नहीं हुआ हुआ है। हाँ। ये नोटिफाई हुए बहुत सालों से नोटिफाई हुआ हुआ है, और हालांकि ये तो कोर्ट आज, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए उठा कि वो कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया, और जब माननीय हाई कोर्ट ने वो सारे तथ्यों को देखते हुए ही आज ये फैसला दिया, बिकॉज वो भी इतने इनसेंसिटिव नहीं होते। हाँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसको हम एक पॉलिटिकलाइज ना किया जाए, नहीं क्योंकि राजनीति नहीं हो रही, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है फिलहाल, कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे इस पूरी चर्चा में। हाँ। लेकिन सरकार की सिस्टम की क्या जिम्मेदारी है, क्या घर दिए जाना, ठिकाना दिए जाना, छत दिया जाना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सबसे पहले तो वो कोर्ट, माननीय कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए शायद उसमें कुछ मेंशन किया होगा, अगर ना भी किया होगा तो उससे पहले जैसे मैंने वो रूल बताया था जब नोटिफाई हो गया था उस वक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। हाँ। तो उसका इतना समय तक, मैं अब मेरे साथियों को कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि ये तो एक बार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से नोटिफाई हो जाता है, बट यस, क्योंकि सरकार हमारी है। हाँ। और ये मानवीय आधार पर बात हो रही है, करीबन 200 घर वहां से विस्थापित, 200 लोगों को भी विस्थापित किया जाना मुश्किल है आज के इस दौर में, 200 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन कहां किया जाएगा ये जवाब अभी तक मिला नहीं। अत्रे साहब देखिए ज्योति, सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि सरकार के पास कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन बिना किसी पुनर्वास योजना के 200 परिवारों को उजाड़ देना जो कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं, ये बहुत सोचने का जरूरत है। देखिए, अगर सरकार का जिस तरह का व्यवहार इस मामले में है, जैसे कि ग्रामीणों के अभी हम सुन रहे थे कि सरकार ने आश्वासन दिए लेकिन कोरे आश्वासन, झूठे आश्वासन, तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता झलकती है सरकार की ऐसे मामले में। देखिए, आप हड़प्पा काल के अवशेषों को खोजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, यह भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा में बाकायदा आज इस मामले को उठाया, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, अभी डॉक्टर सनवारिया मानवता की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डॉक्टर साहब मानवता की केवल बात ना करके अगर आप अपनी सरकार को कहें कि इन लोगों के पुनर्वास का इंतजाम किया जाए, इनके व्यवस्था की जाए। अभी मेरे साथी इन लोगों के प्रवक्ता ने कहा कि इनके लीडर दुष्यंत साहब ने पार्लियामेंट में कहा, बिल्कुल उठाया मामला, क्योंकि हमारा कर्तव्य है डॉक्टर साहब। अब मेरी सुनिए, अब सुनने का भी मादा रखिए, आप बोलना बोलना, अरे बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए, आपके हाथ बोलने दीजिए ना, आपकी परमिशन की जरूरत ही मैं बताइए बताइए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब आपकी सरकार थी, ये कोई आज का मामला नहीं है, ये मामला इतने दशकों पुराना हो रहा है, उस वक्त क्या आपको पता नहीं था कि ये लोग विस्थापित होंगे, आपने क्या स्टेप लिए थे? अभी आपकी कांग्रेस, अरे डॉक्टर साहब उत्तेजित मत होइए, डॉक्टर साहब बुजुर्ग हो आप, झूठ बोलना, ये देखिए उम्र का ख्याल रखिए, डॉक्टर साहब उत्तेजना जो है स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाती है, जवाब दे रहा हूं आपको, उत्तेजित पीढ़ियों से लोग वहीं पर रहते आ रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आता है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो, जब मामला कोर्ट में हो ना तो आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। पहली चीज आप सुन लीजिए, आप हौसला रखिए, जरा उत्तेजित मत होइए, स्वास्थ्य खराब होता है उत्तेजना से, बीपी बढ़ जाता है। अब सुनिए, आज कोर्ट नोटिस करती है
जब कोर्ट नोटिस करती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जिन लोगों को आप चाहते हो कि वो अपने घरों को छोड़ दे, हाँ, तो उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो आज से नहीं रह रहे हैं, वो सैकड़ों सालों से वहां पे रह रहे हैं लोग, और आप अचानक उनको बोलो कि साहब अपने घर खाली करके चले जाओ, परेशानी तो है बड़ी, ये तो कोई मतलब नहीं, स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी, साथ ही सरकार और सिस्टम के लिए भी चुनौती अगर मानी जाए तो। देखिए 200 परिवारों को उजाड़ना कोई छोटी बात नहीं है, वो इसीलिए वो लोग सभी धरने पे बैठे हैं और वो लोग अपनी मांग रखे हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही, वो ये बात कहने के लिए आए हैं आज कि ये इतने साल पुराना था, पिछली सरकार ने क्या किया, उससे पिछली सरकार ने क्या, ये यही कहने आए हैं। इनका मतलब इस बात से नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब 200 परिवारों के साथ हम क्या करने जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है, आज ही मैं एक बयान देख रहा था टीवी के ऊपर, हाँ, ये लोग तो इलेक्शन में मस्त हो गए, अगला इलेक्शन की तैयारियां लग रहे हैं करने, और अगले इलेक्शन के लिए कौन से एमएलए कहां होंगे ये वो काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप 200 परिवारों के बारे में, आपको उन्हीं ने वोट देनी है, आपके कैप्टन अभिमन्यु जो है जिनसे वो लोग गुहार कर रहे हैं वही वहां के एमएलए हैं, और वहां वहां उन लोगों को उनसे ही वोट मिलनी है। अगर वोट लेना चाहते हैं तो आप उन लोगों के लिए उल्टी बात करने आए यहाँ पे, टाइम का ये मामला चल रहा है, पिछली सरकार ने क्या किया, अरे कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको आपने इम्प्लीमेंट करना, आपने आपकी सरकार के दौरान आदेश आया है अब मकान खाली करवाए जाने हैं, व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था करना हमारी जिम्मेवारी है, मैं मान रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी, मैं पहले इनका जवाब दे दूं जो इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने मुझे, प्रवक्ता ने मुझे बताया कि आज कोर्ट के ऑर्डर आए, कोर्ट में केस था इसलिए कुछ नहीं कर पाए, ये नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाता कि कब ये नोटिफिकेशन हुआ होगा, उस वक्त तक सारी कितनी गवर्नमेंट, हाँ मेरे पास विशेष बैठे हुए हैं, तो ये कर हमारी सरकार पूरी सेंसिटिव है, अभी 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 उसका पूरा पूरा बंदोबस्त मेरी सरकार ने कर, उनका सॉल्यूशन की सरकार है, उसमें डेट तो लगी होगी आपकी कोर्ट में, आपको इलम तो हुआ होगा कि यहाँ पे नहीं, अभी तो जिम्मेदारी बीजेपी की है ना, अभी तो जिम्मेदारी बीजेपी की है ना, कांग्रेस कुछ कर सकती है ना, इनेलो कोई मदद कर सकती है, आप सरकार में है, जिम्मेदारी आपकी है, इतना मानते हैं पैनल पर, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है और पूरी तरह से मेरी सरकार उस पर सेंसिटिव है, और एक कोई ना कोई बैठ करके ये पोलिटिकलाइज करने से ये पार्टियां तो हताश हो चुकी है, वही लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कर रहा है। डॉक्टर साहब सुनिए सुनिए, आपने कहा अरे आप जो व्यवस्था करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपने इस बात को माना, डॉक्टर साहब तो व्यवस्था करवा दीजिए, खबरें अभी तक की चर्चा एक सार्थक नतीजे में पहुंच गई है, मामला खत्म हो जाता है, अब करवाइए, अभी अनाउंस कर दीजिए, अभी क्या मुआवजा दे रहे हैं, पुनर्वास का इंतजाम कर रहे हैं, छह महीने में इसकी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, आज जो है काम शुरू कर दिया गया कि घर खाली करवाए जाने थे, एसडीएम पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, कल ये काम पूरा कर लिया जाएगा, अगर लोग अपने मकान नहीं छोड़ते तो जेसीबी का प्रयोग किया जाएगा, आप छह महीने बाद व्यवस्था करेंगे? नहीं, छह महीने व्यवस्था नहीं, उस समय के साथ मैंने बताया कि दोनों पक्ष बैठ करके कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मेरी प्रार्थना इतनी है। शास्त्री जी, पहला कमेंट आपका इस चर्चा में, क्या इस तरह के मामलों में बीच का रास्ता हो सकता है कोई? बीच का रास्ता कोर्ट के आदेश की वजह से अब संभव नहीं है जी। ये तो कानूनी जानकार बताएंगे कि है या नहीं है, हाँ। पर इस केस में जो बात हो रही है उसमें 96 में जो है ये अधिसूचना जारी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसमें आप अगर देखें नोटिफिकेशन में तो लगभग 85 एकड़ जमीन की नोटिफिकेशन हुई थी, 40 जो उसमें पार्ट है वो पंचायत के हैं, 40 के करीब पार्ट आम आदमी के हैं जिनकी मलकियत है, न तो उन मलकियत वाले लोगों को पैसा दिया गया, न पंचायत को दिया गया, बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से वो मुआवजा दिया जाना चाहिए था, ना तो उसकी कोई किसी ने मांग की है, ना कोर्ट में किसी ने इस बात का मुद्दा उठाया, हाँ। नोटिफिकेशन को जारी होने के बाद ये मान लिया गया कि इनको तो मुआवजा नहीं देना है जी। अब उसके बाद उस पर 43 आदमी या 57 आदमियों का नाजायज कब्जा है, जो खाली जगह रह गई थी, नोटिफिकेशन आ गया था उस पर उन लोगों ने घर बना लिए, जब पहले पंचायत ने सहयोग किया, नोटिफिकेशन जब किया भारत सरकार ने,
तो पंचायत ने सहयोग किया और पंचायत ने तो हरियाणा सरकार के साथ भी सहयोग किया। 5 एकड़ जमीन अब नए म्यूजियम के लिए उन्होंने डोनेट कर दी है। तो पंचायत और ये गांव इतनी मदद कर रहा है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की भी और इस अपने गांव की धरोहर की भी। तो गांव के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, गांव के लोगों की भी मदद की जानी चाहिए। हाँ, मतलब जरूर ये नैतिकता बनती है, ये नैतिकता बनती है। आर्कियोलॉजिकल रिमेंस, हाँ आर्कियोलॉजिकल रिमेंस जरूर है, परंतु ये देखें कि 6 और 7 नंबर के टीले खेतों में है। हाँ। उनकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की भारत सरकार ने, उनको मुआवजा दिया जा सकता है। हाँ। ये जो एरिया था आपके पास एक बार फिर से कानूनी पक्ष, 2, 3, 4 और 5 की नोटिफिकेशन जारी है, 1, 2, 3, 4, 5 पक्ष क्या है इस मामले का? हाँ, टीलों की बात, हाँ वो 7 है। अभी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, 19th इज द डेट फिक्स्ड, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट ये करने जा रहा है कि हमने मकान खाली करवा दिए या नहीं। हाँ। अब क्वेश्चन बचता है कि उनको किस तरह से खाली करवाया जाना चाहिए, क्योंकि वर्डिक्ट तो आ चुका है, खाली करवाने का वर्डिक्ट आ चुका है, देखना है कि मामले को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि ये मामला आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इश्यू है, क्योंकि यदि आप बात करते हैं राखी गढ़ी की, ये वर्ल्ड की टॉप 5 ओल्ड सिविलाइजेशन का पार्ट है, और ये नहीं कह सकते कि ये एक्वायर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि हम देखते हैं, यदि हम देखते हैं ये सबसे बड़ा सिटी भी था, क्योंकि यहाँ की जो लैंड, जैसा ब्रदर आर्कोलॉजिस्ट ने अभी बताया कि 80 एकड़ लैंड, में कहूंगा ये 80 हेक्टेयर से लेके 500 हेक्टेयर तक एरिया कहीं तक हो सकता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर 1200 एकड़ लैंड इसमें जा सकती है। मैं अभी एक मिनट क्लियर करता हूँ, क्योंकि आप तो आर्कियोलॉजी के एंगल से देखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ये लैंड बड़ी महत्वपूर्ण है, सरकार को इसका हल जरूर निकालना चाहिए, और हल केवल एक ही है। आप देखिए 200 परिवार कहते हैं, 200 परिवार, 200 बहुत बड़ा परिवार है, और सरकार के लिए बहुत छोटी राशि है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लोगों की हर मकान के ऊपर है। बिल्कुल, यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 220 करोड़ का है। कि गांव की फिलहाल की सूरत क्या है, अजय लोहान है हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, 24 घंटे का इनका धरना चलता है, और आज धरने का आज 5वां दिन है। इन्होंने ये साफ कर दिया कि किसी भी हाल में हम अपने मकान नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया है, ना ही इनके मुआवजे की किसी भी प्रकार की बात की गई है। अरे साथ ही कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से मुलाकात की बातें थी, क्या उसमें किसी तरह का आश्वासन मिलने की उम्मीद है? जी देखिए, कैप्टन अभिमन्यु से इनकी 3 दिन पहले चंडीगढ़ में बात हुई थी, लेकिन उस दौरान भी इनको सिर्फ यही कहा गया था कि हम आपके समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो सिर्फ ये कि आज उन सब लोगों के मकानों को तोड़े जाना था, 5 तारीख और 6 तारीख उसके लिए दी गई थी, लेकिन 8 दिन तो प्रशासन जो है ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं तोड़ पाया। अब आगामी कार्रवाई के लिए कल का देखना पड़ेगा। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा हम कर रहे हैं प्रताप सिंह जी का, छोटा सा कमेंट फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैडम, अभी ज्योति जी अभी इन्होंने बताया कि टेंस माहौल बनता जा रहा है। हाँ। सरकार के पास विकल्प एक ही है कि गाँव को वो के लोगों को कंपनसेट करे, और कंपनसेशन की जो बात है, हम मानते हैं कि एक बार बहुत सरकार के ऊपर वजन आएगा। हाँ। और वो वजन कितना आएगा, केवल आज के दिन माने तो 20 से लेके 30 करोड़ तक वजन जा सकता है सरकार की तरफ से, बट इसके रिजल्ट अदरवाइज भी हो सकते हैं। हमने स्टेट को पिछले 3 बार देखा है कि कई सैकड़ों करोड़ का लॉस हुआ है, तो हम मानेंगे कि फर्दर लॉस को घटाने के लिए सरकार को चाहिए कि मीडिया निकाले। डिपेंड करता है सीधे तौर पर कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या जनता की परेशानी से सरकार परेशान होती है या फिर नहीं। अत्रे साहब, देखिए बात बिल्कुल सही है, प्रताप जी ने जो बात कही है कि सरकार उनके पुनर्वास का इंतजाम करे, उनको कंपनसेट करे, और जैसे कि वो एक अमाउंट बता रहे हैं 20 से 30 करोड़, भले ही ज्यादा भी हो, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो इस वक्त वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखिए, एक और चीज भी है यहाँ पे, सरकार का व्यवहार जो है सवाल उस पर उठता है। आप अगर
गोल्डन जुबली की बात करते हैं तो आप 1700 करोड़ रुपया जो है प्रदेश का जो है उसको आप अपने चहेतों की जेब में डाल देते हो। प्राथमिकता क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने नागरिकों का ख्याल रखना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको आपने देखा होगा ज्योति, सिरसा के अंदर थेड़ वाला मामला था। पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर आए, किस हालात में सबको पता है। और वो लोग जब वहां पे आके बसे और बाद में कॉर्पोरेट कमेटी जो चली जाती है, लोकल बॉडी चली जाती है कि उनके मकानों को खाली करो, उनको तोड़ो, और इस तरह का व्यवहार सरकार का वहां पे भी रहा, वहां पे भी सरकार ने बिल्कुल संजीदगी नहीं दिखाई। तो ये चिंता का विषय है कि अगर सरकार अपने नागरिकों का ख्याल नहीं रख सकती, प्रदेश क्या किया जाए, जाएं कहां ये लोग, क्योंकि मंत्री जी जहां से आती हैं, चुनकर जहां से आए, वहां मंत्री जी से मुलाकात भी हो चुकी है, आश्वासन भी दिया गया, उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया मुआवजे को लेकर सीधे तौर पर। ज्योति जी, जब मुझे अभी मेरे विशेषज्ञ भाई ने बताया और मुझे अचंभा लग रहा है कि जब नोटिफिकेशन होने के बाद, मैं ये मानूंगा कि ये बिल्कुल सच है। डॉक्टर साहब, आप बात कीजिएगा, लेकिन सवाल के जवाब पर नहीं। मैं सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद क्या करे जनता? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मुआवजा ये कह रहे हैं कि नहीं मिला, और अभी मेरे अधिवक्ता दोस्त ने बताया कि सरकार के लिए कोई बड़ी अमाउंट कोई नहीं होती, बिकॉज जो इम्पोर्टेंस इस आर्कियोलॉजी साइट की है वो हमारे हरियाणा को जो खर्चा लगेगा 7500 साल पुराना, मतलब सारे वर्ल्ड की मानव सभ्यता का सबसे ऊपर ले जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मंत्री जी ने अभी कमिट नहीं किया है, लेकिन मैं समय के साथ में कुछ ही दिनों में साथ में बैठ करके, लेकिन एक ही प्रार्थना है कि ये मेरे साथी इसको पॉलिटिकलाइज ना करके, जो स्थानीय लोग परेशान हैं उनकी कौन सुनेगा। देखिए, ये जो सरकार है ये लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये अपनी लिफाफेबाजी की सरकार है जो ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आप पूछ रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। अब ये जवाब जो सरकार देगी नहीं तो ये क्या देंगे डॉक्टर साहब? ये तो अपने प्रवक्ता है, इन्होंने तो पिछले सारे निकाल लिए भी, वो इतने साल की हड़प्पा की वो है, इतने साल का वो है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन बात तो यहाँ पे इनको मालूम होता है 2000 में बंद ना करते, अगर कांग्रेस को मालूम होता 2000 में बंद कर दिया इन्होंने, ये मेरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी में शुरू हुआ और 2014 में शुरू हुआ, इनको तो पता होता। तो अरे डॉक्टर साहब, बीच में बोलते हो आप, बीच में बोलते हो, सुन नहीं रहे आप, सुन नहीं रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमें बताने जा रहा हूँ, अब मैं भी बता देता हूँ फिर आप बताना ना, उसका जवाब देना। क्या हुआ? मैं बोल देता हूँ फिर जवाब देना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कोई चिंता नहीं, इनको 200 परिवारों की कोई चिंता नहीं, इतनी ठंड में वो परिवार कहां जाएंगे कोई चिंता नहीं, उनके घर टूट जाएंगे कोई चिंता नहीं, इनको सिर्फ चिंता है कि पिछले जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इतनी इस पुराना काम किया है उसका क्या, उसकी चिंता है इनको। लोगों की कोई चिंता नहीं, ये लोगों की चिंता की सरकार ही नहीं, लोगों से वोट लेने की सरकार जो है। अजय लोहान करते हैं हमारे संवाददाता का। अजय, क्या किसी सरकारी नुमाइंदे ने धरना स्थल पर आकर मुलाकात की? 5 दिन से चूंकि धरना जारी है। देखिए, सरकार की किसी भी नुमाइंदे ने अब तक इन किसानों से या ये कहीं ग्रामीणों से किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं की है, बशर्ते ये खुद किसान जो है, ग्रामीण जो है, वो वित्त मंत्री से टाइम लेके वहां पे चंडीगढ़ में उनसे मिलने गए थे और उनको सिर्फ यही आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन फिलहाल तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा ठोस जो आश्वासन या कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई कि हम आपको ये मुआवजा देंगे। इसी को लेकर जो किसान जो है, वो जो ग्रामीण जो है, वो पिछले 5 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए। जी सनवारिया साहब, जी अभी जैसे आप हमारे कोरेस्पोंडेंट ने वहां से बताया है कि मंत्री ने और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। अपोजिशन में बैठकर के बातें करना बहुत आसान काम है। नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका भी आपने जवाब सुना होगा कि कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, मंत्री साहब वहां से आते हैं, चुनकर लोगों ने भेजा है, वो लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद आश्वासन जरूर दिया जाता है लेकिन वो नजर नहीं आता। नहीं, वो नजर भी आने में समय लगता है, एकदम से अपोजिशन की तरह से नहीं किया, सरकार बैठ करके सोल्व के, और उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और उन जो 200 आदमी जो विस्थापित
कब मिलेगा पैनल पर सवाल यही है, क्योंकि कल तक ये जो है घर जो है मकान जो है खाली करवाई अगर सिस्टम की चलती है। आखिरी तारीख की बात कर ली जाए, 19 जनवरी को जवाब आप लोगों को देना है, अधिवक्ता ने भी अभी बताया पैनल पर। साथ ही जो सिस्टम कहता है, जो कि एसडीएम ने हमें जानकारी दी कि 6 जनवरी को खाली करवा लिए जाएंगे, लोग खुद ब खुद नहीं छोड़ते हैं, तो जेसीबी का इस्तेमाल करवाया जाएगा और घर खाली करवाए जाएंगे। देखिए ऐसी बात, एक तो पहले ज्योति जी बार बार डॉक्टर साहब एक बात बोलते हैं कि अपोजिशन जो है इसको पॉलिटिकलाइज कर रहा है, अपोजिशन इसका राजनीतिकरण कर रहा है। डॉक्टर साहब ये मत भूलिए कि जो विपक्ष होता है लोकतंत्र में शैडो गवर्नमेंट होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज उठाएं, क्योंकि जब सरकार अपनी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो विपक्ष का पहला कर्तव्य होता है कि जनता की आवाज को उठाए, सरकार को जगाए। अगर हमारे मेंबर पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं तो वो उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि उनकी लोकसभा क्षेत्र का मामला है। दूसरी चीज, आप केवल ये बात कह के कि विपक्ष जो है इसका राजनीतिकरण कर रहा है, अपने कर्तव्य से अपनी जो जिम्मेदारी है उससे नहीं बच सकते। अगर एक तरफ उनको नोटिस हो जाता है उसमें लास्ट डेट दे दी जाती है और आपकी तरफ से लास्ट डेट पे कोई आश्वासन नहीं आता, तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता है सरकार की, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। केवल ये बात कह के आप नहीं बच सकते कि हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि आपके पास समय बाउंडिंग है, आपको उस तय सीमा के अंदर उनके पुनर्वास का इंतजाम करना है। बेहतर हो आप सरकार से बात करें, यहां पे इस बात की घोषणा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। केवल चर्चा को शब्दों में ना करें, उनको कोई परेशानी नहीं कि डेवलप किया जाए गांव को पर्यटन के लिहाज से, साथ ही जो संस्कृति के जितने भी अवशेष मिल सकते हैं उन्हें ढूंढे जाएं, तो ये मदद उनकी भी की जाए, ये भी जरूरी हो जाता। देखो जहां ये 7 किले हैं वहां 5 तक इन्होंने प्रोटेक्ट किए हैं, 5 में 1 पर कोई कब्जा कम कब्जा है, 2 पर है, 3 पर 4 बिल्कुल फ्री है काम करने के लिए, 3 भी फ्री है, 3 पर आप काम कर लो, 5 पर थोड़ा कब्जा और 3 पर भी थोड़ा सा है जो पहले से ही था जी। जो नोटिफिकेशन से पहले से था, अब उन नोटिफिकेशन से पहले जो लोग थे उनको तो मुआवजा नोटिफिकेशन देते हुए करना ही करना था। और ना इस एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर नोटिफिकेशन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अगर अपने घर दोबारा बनाते हैं तो नींव ना खोदें, बस इतना ही है इस प्रोटेक्शन के तौर पर। तो अगर मुआवजा दे करके सरकार अपने पास ले लेती तब तो उन ग्रामीणों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। परंतु अब जो रुक रहे हैं शास्त्री जी आएंगे आपके पास। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बड़ी बात में बड़ी बहस कर रहे हैं हम एक सवाल के साथ कि राखी गढ़ी के लोग, स्थानीय लोग कहां जाएं, जो 201 मकानों से जुड़े हैं, जिनको नोटिस मिल चुका है, साथ ही सिस्टम भी पहुंच चुका है कि घर खाली कीजिए, मकान खाली कीजिए, अगर खाली नहीं करते हैं जेसीबी का इस्तेमाल करवाया जाएगा, मकान खाली करने ही पड़ेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री से भी मुलाकात की गई, कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से स्थानीय लोग मिले, उसके बाद क्या कुछ कहना रहा स्थानीय लोगों का वो सुन लीजिए। हम उस वो मकान जो है ना गिरने नहीं चाहिए, नोटिस अब एक बार तो पहले आए थे, एक अभी आ रहे हैं जो 19 तारीख दे रखी है। मैं आश्वासन दिया था कि भाई हम प्रशासन को बात करेंगे, प्रशासन से बात करके तुम्हारे पास देंगे, लेकिन अभी जब हम तहसीलदार से मिले तो उन्होंने अभी तक कोई संदेश नहीं। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ने नोटिस दे रखे हैं ग्राम यहाँ लगभग 200-250 मकानों के तोड़ने के लिए, उसके विरोध में ये आज मतलब धरना है और ये लगातार जारी। कैप्टन साहब से कल मिले थे, कैप्टन साहब ने आश्वासन दिया था भाई हम प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन हरियाणा सरकार से बात करके मतलब कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अभी तक कोई मैसेज। देखिए आश्वासन तो मिल गया है लेकिन समाधान मिलना अभी बाकी है, उसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। साथ ही हमारे संवाददाता अजय लोहान लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, अगर इन लोगों को बेघर किया जाता है, करीब कितनी संख्या में ये लोग हैं जो कि बेघर होने जा रहे हैं, जिनके मकान अब छिनने जा रहे हैं किसी भी कारण से? अजय आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क टूटा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनवारिया साहब, एक बार फिर से आपने सुना उन लोगों को जिनका कहना है कि वित्त मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन मिल चुका है, लेकिन वो तारीख भी बेहद नजदीक आ चुकी है जिसका सरकार को जवाब देना है अदालत में। उसी बीच पैनल पर आप कह रहे हैं कि समाधान दिया जाएगा, लेकिन
बिल्कुल, जैसे अभी अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से मिलकर के लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिया। देखिए इन मामलों में एकदम से कहा नहीं जा सकता कि आप 10 करोड़ उसको दे दो, 20 करोड़। नीटिग्रिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको पता ही है, तो ये इत्मीनान रखिए कि मेरी सरकार पूरी मानव समन्वय के साथ में इन लोगों को इतना कोई तकलीफ नहीं होने देगी। बाकी जो पीछे की बातें होती है उसमें तो हम जाएंगे ही नहीं। क्या सिस्टम को कहा जाएगा कि अभी मकान खाली मत करवाइए? बिल्कुल कहा जा सकता है, बिकॉज अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने बताया कि 19 तारीख को डेट पड़ी है, उसमें बताना है कि खाली हुए कि नहीं हुए माननीय कोर्ट को, तो उस वक्त माननीय कोर्ट के सामने ये रखा जाएगा कि शायद ये देखिए जबरदस्ती जो एसडीएम जो कहते हैं, बाकी अधिकारी जो कहते हैं कि हम मकान खाली करवाने आज पहुंचे थे, वो कल फिर से जाने वाले हैं। नहीं वो कल फिर से जाने वाले हैं, वो नहीं जा पाएंगे। आप जो कहते हैं उस पर पब्लिक विश्वास करिए, आप वहां के अधिकारी कहते हैं उस पर विश्वास किया जाएगा। मैं प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरे माननीय वित्त मंत्री ने सब लोगों के सामने को कैमरे में नहीं कहा कि हम इसका समाधान ढूंढेंगे, तो प्रशासन से बात करके कोई ना कोई, देखिए हर एक चीज सरकार ऐसे नहीं चल सकती कि वो आप इसको ऐसे कर दीजिए, कोई पैरामीटर्स होते हैं। नहीं, कितना इंतजार और करना है, सवाल यही है। तो ना, ये कब अब कब समाधान कितने का तो समय नहीं बता। अगर मुआवजे को लेकर भी सरकार कुछ निर्धारित करने जा रही है, पुनर्वास को लेकर भी कुछ निर्धारित आप लोग करने जा रहे हैं, व्यवस्थापन को लेकर व्यवस्था की जानी है, तो कब की जानी है? ये सवाल बरकरार है, अभी इसका जवाब आप नहीं दे पाए। नहीं, मैं जवाब एक्चुअली देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं यहाँ पे सुनवारिया जी। सबसे बेहतर चीज तो ये होती कि आप सरकार से बात, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात करते हो और यहाँ पे कोई कंक्रीट एक आश्वासन या एक तरह से एश्योरेंस होती। लेकिन वो खैर नहीं है, क्योंकि जो बात मंत्री जी ने कही लगभग वही बात आप कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की फितरत भी है, सत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत, झूठ बोलो मीठा बोलो, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी का। मैं देखिए आप अच्छी बातें सीखा कीजिए आप, लेकिन जब कोई आप केवल इस बात का दोष मढ़ के देखिए, मैं जब से चर्चा शुरू हुई है एक ही बात आपसे मुंह से मैं लगातार सुन रहा हूं, आप केवल दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 200 परिवार ना उजड़े, उन 200 परिवारों को उजाड़ा ना जाए, तो बेहतर होता कि पार्टी के बात करने के नाते दोष मढ़ने की बात। अरे आज तक इनालो ही बात कर रहा है साहब, आपकी परते हम सुप्रीम कोर्ट तक जानता है, आप लोगों ने क्या खोल रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता। किताब लिख सकता हूँ आपके भ्रष्टाचार पे हरियाणा के अंदर, मैं चाहता नहीं चर्चा को डिटेल करूँ, लेकिन मैं आपके भ्रष्टाचार पे किताब लिख सकता हूँ। और जहाँ तक भ्रष्टाचार पर नहीं जाएंगे, आप सोल्यूशन, वही तो मैं बात बार कह रहा हूँ कि आपके मंत्री जी सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं उनको, आप यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं प्रशासन को। समाधान क्या हो सकता है? प्रशासन को धमकी देके आ रहा है कि हम कल को फिर दोबारा आएंगे, आप उन बातों के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको डॉक्टर साहब ने जो अभी तक गोलमोल जवाब दिए, मैं उसके ऊपर एक चीज कहना चाहता हूं, ये एक मामला ऐसा ना हो जाए, 3 बार हरियाणा जल चुका, इतने आदमी मर चुके, ये कोई ऐसा कोई मामला ना कर दे। अभी भी मैं ये बात, डॉक्टर साहब आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करो और उनको परिवारों को आप उनको बसाने का काम करो, उजाड़ने का काम मत करो। आप जो है अपनी सरकार को बोलो कि इनके लिए घर बनाए जाए, आप ही कह दो, बाकी सरकार तो सुनती नहीं, सरकार ने सुनना नहीं, आप ही कम से कम ऐसा करो कि आपके कहने से ही कोई मान जाए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है परिवारों को मत उजाड़ो आप। आपके पास भी आएंगे अजय लोहान, ग्रामीणों की ओर से क्या वैकल्पिक रास्ता पेश किया जा रहा है सरकार के लिए? जी देखिए, ग्रामीणों का की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अभी भी रात को जो है इतनी ठंड के बावजूद भी या पिछले 5 दिन से ठंड आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि हम पिछले लगभग 600 सालों से 500 सालों से यहीं पर रहते आ रहे हैं, और हम उस समय से रह रहे हैं जब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सभ्यता या ये जगह ये गांव किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात उनका ये कहना कि अगर गांव सरकार जो है या प्रशासन जो है उनको मकान के बदले मकान देता है या जगह के बदले जगह देता है और उनको मुआवजा देता है तो निश्चित रूप से वो छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनको अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन या किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं दिला गया है या कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं हुई है जिससे कि वो ग्रामीण माने। अब उन्होंने यही बात रट रखी है, यही बात इसी बात को लेकर वो आज भी 5 तारीख को प्रशासन ने गांव में एंट्री करनी थी और वो 200 से ज्यादा मकान तकरीबन 1000 जो लोग हैं उनको बेघर करना था, लेकिन गांव वालों की जिद के चलते प्रशासन जो है गांव में एंट्री नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की स्थिति यहां पे बनी हुई है। बिल्कुल,
सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आश्वासन जो दिए जा रहे हैं कि मुआवजा भी दिया जाएगा, व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन सिस्टम पहुंच चुका है मकान खाली करवाने। शास्त्री जी, हरियाणा की जानकारी आप रखते हैं पुरातत्व विभाग की, विभाग की ओर से अपील हाईकोर्ट में लगाई जाती है, फैसला आप लोगों के पक्ष में आता है कि मकान खाली करवाए जाए, इस तरह के मकान जो खाली करवाए जाते हैं उसमें प्रक्रिया क्या रहती है पूरी? ये साइट जो थी वो भारत सरकार की है, भारत सरकार के द्वारा ये अपील की गई थी। स्टेट का तो केवल मात्र अब खाली करवाने के समय में सहयोग लिया जा रहा है इस डिपार्टमेंट का, विभाग के तरफ से। तो स्थिति क्या होती है कि एक्सकेवेशन जब होता है जब वो खाली जगह हो, इस राखी गढ़ी पर एक्सकेवेशन पिछले 96 के बाद से लेकर के तीन साल हुआ, 20 साल में 3 बार काम हुआ और वो बहुत थोड़े एरिए में हुआ, 25-30 मीटर में या कितने जगह में। जब हमारे पास इतने बड़े टीले खाली पड़े हैं और जो 500 एकड़ जमीन और भी पड़ी है, तो जरूरी नहीं हो जाता कि ये जो लोग बस्ती यहाँ बस गए हैं इन्हीं को उजाड़ के क्या हमने यहाँ खुदाई करनी है या नहीं करनी है? विभाग क्या कहता है? विभाग ने तो जो खाली जमीन है वहां भी हो सकते हैं, अवशेष वहां से भी ढूंढे जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बस्ती आप खाली करवाएं, मकान आप खाली करवाएं। इसके अलावा एक और चीज है कि पूरे हरियाणा में जो बड़े बड़े गांव हैं सब साइटों पर बसे हुए हैं और ये जो साइट बचती हैं, जिन पर बस्तियां हो जाती हैं वही साइटें बचती हैं, जिन पर खेती होती है वो साइटें खत्म हो जाती हैं 50-100 साल में। तो मेरा तो ये मानना है कि राखी गढ़ी के लोग जहां जहां बस चुके हैं, यदि उनको नहीं हटा करके और इस तरह की एक पक्ष से सोचा जाए कि भाई जब तक अच्छा सुझाव है सरकार इस पर सोचे। नहीं, शास्त्री जी का सुझाव आया और ये स्पेशलिस्ट है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि जहां जनता रह रही है उसको ही क्यों खोदने जा रहे हो आप लोग, 500 हेक्टेयर है और नहीं खोदने नहीं जा रहे हैं, खोदेंगे भी नहीं, खाली करा रहे हैं बस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अपील जो है ना मंजूर करने लायक उस तौर पर थी ही नहीं, पर क्योंकि नोटिफिकेशन हो लिया था इसलिए खाली करा रहे हैं। जब ये बात अगर वहां सोची जा सकती थी अब कि भाई ये चीजें अब ये जहां जहां भी कब्जे हैं, पास्ट में ना जाते हुए जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऐसी साइट हरियाणा में बहुत सारी हैं और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ, कल ही नोटिफिकेशन हुआ है हमारे माननीय गवर्नर साहब ने किया है। इस तरह के जो मामले हैं क्या कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ सोमोटो का क्वेश्चन वहां आता है जहाँ कोई पिटीशनर ना हो, यहाँ तो पिटीशनर भी है और पार्टीज भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले में कोर्ट डेफिनेटली एक्शन ले सकता है, बट आज के दिन कोई इमरजेंसी नहीं है कि खाली इमीडिएटली करवाना चाहिए। तो ये ऐसे सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एप्लीकेशन डाले, क्योंकि ये मंथ देखो कौन सा है, जनवरी का मंथ है, कड़ाके की ठंड है, जिम्मेदार लोग मर सकते हैं, धरने पे लोग बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पक्ष को एप्लीकेशन वो करनी चाहिए, या तो लोग जाएं कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन नहीं है अभी हम खाली करें, या फिर सरकार जाए कि हम इसका हल निकालेंगे, इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट टाइम की जरूरत है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये नहीं कह सकते उस जगह खाली नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इश्यू है। आप एक तरफ तो मेसोपोटामिया से आपकी तुलना करते हैं, दूसरी तरफ से जगह को खाली करवाने की बात ये कहते हैं कि खाली नहीं होनी चाहिए। खाली तो करे, बट जितना उनका बनता है उससे ज्यादा देके करे, उनको मकान भी दे, उनको मुआवजा भी दे, क्योंकि ये केवल हरियाणा का इश्यू नहीं है, ये नेशनल इशू है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि हम स्टेट इनको जगह देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मुआवजा दे मकान बनाने के लिए, उनको मॉडर्न फैसिलिटी के साथ मकान देके, उनको जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए जल्दबाजी, और इसमें एप्लीकेशन वो करनी चाहिए फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। और कोर्ट मुझे लगता है कि ये एक बनता भी है, आज मंथ देखो क्या है, कड़ाके की ठंड है, लोग वैसे ही मरे जा रहे हैं, इधर लोग धरने में बैठे हैं, तो प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करें। देखिए हमारी सरकार के टाइम पे हमने हजारों की संख्या में बीपीएल के मकान लोगों को दिए थे, क्या ये लोग हरियाणा सरकार इतनी सुस्त है कि 3 साल के अंदर जो अगर मामला कोई आता है तो ये इतना भी आश्वस्त नहीं कर सकते कि उन लोगों को बसाने की बात कर दे? उन लोगों को आप उनसे वोट लेने की अपील तो करते हैं, उनके घर जा जाके उनसे पैर तो उनके पकड़ के वोट मांगते हो बीजेपी वाले, लेकिन उनको बसाने के लिए बात नहीं करते। प्रवक्ता भी जो है चैनल पे बैठ के कहानियां मार के गोल गोल घुमा के जलेबी बनाने का काम जो करती है, ये भाजपा की सरकार है, ये इनकी नीयत सामने समझ आ रही है कि ये लोगों के लिए नहीं है सरकार, ये सिर्फ ओनली
अपने लिए सरकार है, लोगों से वोट मांगने वक्त कुछ है, काम करने वक्त कुछ है, इसीलिए ये काम हो रहा है। और तभी जो समाधान मिलना था वो बात की बाकी थी, लेकिन पांच दिन से लोग कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठे हैं, सरकार कहीं और व्यस्त है। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी वकील साहब ने भी बताया और जिस तरह के हालात है, हालांकि सनवारिया जी बार बार एक बात कह रहे थे कि समय लगता है, समय ऐसे कामों में, लेकिन सनवारिया जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी कभी भी कैबिनेट की मीटिंग बुला के निर्णय लेके मुआवजे की बात कर सकते हैं, या जो भी राहत देनी है, जिस तरह की भी राहत देनी है उसकी बात की जा सकती है। इसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती, केवल इच्छा शक्ति चाहिए होती है कि आप कैबिनेट बुलाओ, कैबिनेट में मामले को डिस्कस करो, उसको अनाउंस कर दो। कितनी बड़ी कितना टाइम चाहिए इसमें आपको, लेकिन आपको लोगों की समस्याओं को समझना होगा। एक चीज और भी है, जैसे एएसआई की बात अभी रणधीर जी कह रहे थे, रणधीर जी ने बल्कि उसका बड़ा खुल के जिक्र भी किया कि आपके पास 550 हेक्टेयर लैंड है, उसके अंदर से अगर 20 हेक्टेयर लैंड पे आप नहीं काम करते, नहीं खुदाई करते, तो वो बाद की चीजें हैं, अगर आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि जैसे प्रताप जी ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे कंट्री इंटरेस्ट की बात है, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि हमें करना चाहिए, हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, हमारी इस तरह की एसेट्स को हमें संजो करना चाहिए, म्यूजियम भी बनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता वहां पे बसी हुई है उसके बारे में सोचना भी सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार को सोचना चाहिए। केवल ये बात कह के कि हम इसके ऊपर आश्वासन दे दिया है, इसके ऊपर टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे काम बनने वाला है। सनवारिया जी, आप मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच में कहीं सरकार आती है किसी तरह की व्यवस्था करने के लिए, अगर फैसला आप लागू करवा रहे हैं तो आम जनता को लेकर सोचे भी सरकार? सनवारिया साहब जी, जैसे अभी जैसे अत्रे साहब ने बताया कि सरकार को अभी आपको चैनल से पता चला और हमारे स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हरियाणा गवर्नमेंट तो सिर्फ इसको खाली कराने के लिए हुक्म अपने लोगों के पुनर्वास का तो हरियाणा सरकार सोचेगी ना? नहीं नहीं, मैं देखिए वो तो सरकार को सोचना चाहिए, हरियाणा सरकार सोचेगी, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह, बिकॉज जमीन जो है आप ही की सरकार है, साहब फिर वहां से हम ही का पुनर्वास है, आप टूरिज्म को ज्यादा रखे, लोगों को ज्यादा, लोगों को जाड़ने को ज्यादा रखे, उसके ऊपर बात बताइए आप। नो, हम सिर्फ इशू है लोगों को सेटलमेंट करने का, आप सरकार सोचेगी क्या? इतना भी सोचा है सरकार ने कि आप सोचेंगे इसको लेकर? क्योंकि कोई सरकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा, किसी तरह का आश्वासन खुले तौर पर नहीं दिया गया मुआवजे को लेकर, विस्थापन को लेकर। नहीं नहीं बिल्कुल, आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? आश्वासन दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ताकीद कर देंगे, और जब अभी जैसे अधिविकास गुप्ता साहब ने बताया कि आइदर गांव वाले भी अगर पिटीशन वहां मूव करते हैं हाई कोर्ट में कि ठंड है तो मेरी सरकार उसको अपोज नहीं करेगी, और वो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पिटीशन डाल देनी चाहिए, उस पे बात नहीं कर रहे गांव वाले, डाल दें उस पे बात कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कब निभाओगे, अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए। गांव की एप्लीकेशन है, उस एंगल से बोला था, इन केस गवर्नमेंट आज हल भी निकाल देती है तो गांव वाले जाके एप्लीकेशन डाले, भाई हल तो हमारा निकल गया बट इस स्टेज पे हम खाली नहीं कर सकते क्योंकि ठंड का मौका है, तो वो तब जा सकते हैं। उनके पास तो बेचारों के पास आज तो यही एक उपचार है कि वो धरने में बैठे, क्योंकि यदि वो धरने पे नहीं बैठेंगे उनको मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, फिर कोई भी सरकार अपोजिशन और फिर वो है ये बोलते रहेंगे उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक बात, अत्रे साहब ने कहा था कि ये टूरिज्म का मामला है, मैंने टूरिज्म का मामला नहीं बोला, ना ये टूरिज्म से रिलेटेड है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला है। क्योंकि हम कहाँ तो एक तरफ तो मेसोपोटामिया से, रोमन कल्चर से, ग्रीक सिविलाइजेशन से कंपटीशन करना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि इससे ये रिसर्च का इशू है। नहीं नहीं प्रताप जी, मैंने केवल ये बात कही थी, आप उसको अदरवाइज कर ले कि अगर म्यूजियम वहां बनेगा और वहां पे अगर इस तरह की खोज होती है तो नेचुरली उससे टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलता है, लोग देखने जाते हैं, साइंटिफिक एंगल है, म्यूजियम बनाने का मतलब ही है कि लोग म्यूजियम को देखने जाए, वो मेरा एंगल है उसमें। हां, लेकिन यहां सवाल ये है कि उनका पुनर्वास का इंतजाम कैसे किया जाए? जितने भी सियासतदान हैं, कहले किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो रखते हैं, वो वोट मांगने आते रहे होंगे, लेकिन जब मसला इस तरह का हो चला है कि धरना दिया जा रहा है लेकिन सरकारी नुमाइंदे नहीं पहुंचते, कारण क्या है? जी देखिए, अगर हम सरकारी नुमाइंदों की बात करें तो निश्चित रूप से अभी हमारे प्रवक्ता जी यहाँ पे बात कर रहे थे और अधिवक्ता जी यहाँ पे बात रख रहे थे कि भाई ग्रामीण ऐसा आगे की तारीख ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो 19 तारीख कोर्ट में लगी हुई है, 19 तारीख को प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि हमने सभी मकान तुड़वा दिए हैं, तो ग्रामीणों का सिर्फ अभी के लिए यही कहना है कि या तो सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो उनको 19 तारीख से मोहलत दी
दिलवाए ताकि वो आगे अपनी पैरवी कर सके। दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही कि भाई क्या कारण है कि विपक्षी पार्टियों के लोग या सरकार के लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि बारह खाप जो है, राखी गढ़ी बारह खाप के अंदर आती है और इसको आमतौर पर यह माना जाता है कि ये जो है इनेलो का समर्पित एरिया है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है प्रदेश सरकार के मुखिया कहें या जो प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि कहें या प्रशासन के अधिकारी वहां पे ज्यादा दिलचस्पी नहीं। साहब क्या ये भी कारण हो सकता है? ये कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी सरकार में चाहे वो इनेलो डोमिनेटेड एरिया है, चाहे वो कांग्रेस, हम कोई वो कांग्रेस वाले थोड़ी है कि रोहतक को ही डेवलप करेंगे। मेरे माननीय मुख्यमंत्री सारे हरियाणा को इक्वल लेवल पर डेवलप करेंगे। आपको आश्वासन क्या है वो तो बता दे आप, ये तो समझ नहीं आ रहा कि आपने आश्वासन क्या दिया। अगर सरकार का आश्वासन है तो क्या है? क्या मकान को लेकर है, क्या जमीन को लेकर है, या आर्थिक मदद जो दी जानी है उसको लेकर है? डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप छोटा सा जवाब, आखिरी कमेंट आपका। जी नहीं नहीं, इनका पूरा, उनको पूरा कंपनसेशन मिलेगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 19 हाँ कब का तो डेट अभी है मेरे से, तो 19 के बाद जब उनका घर उजड़ जाएगा तब घर नहीं उजड़ेगा। उससे पहले समस्या को समझिए डॉक्टर साहब, समस्या को समझिए। पहले पहले का पूरा मामला है ये, अगर आश्वासन मिलेगा तो कब? हाँ बहुत 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 जल्द ही है, आश्वासन तो मिल चुका है ऑलरेडी। हाँ। उसकी नीटी गिरिटी करके उसको एक्शन में ले आने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो तो मैंने आपको बताया, आप मुख्यमंत्री चाहते हो आपके कैबिनेट बुला के उसके बारे में काम करने वाली सरकार होती जी। रिहैबिलिटेशन पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी 5 सेकंड। रिहैबिलिटेशन पे पहले भी रिहैबिलिटेशन होता रहा है। एक बार कैथल डिस्ट्रिक्ट में गुना गांव से कुछ लोग वहां से बाहर चले गए थे आपसे डिस्प्यूट की वजह से। जो देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने उकलाना के पास देवीनगर बसा के उनको जमीन दे के उनका पुनर्वास किया था। उसके बाद अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, गरीबों को 100-100 गज की जमीन के प्लाट दे के काफी गांव में प्लॉट दिए। इमीडिएटली इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है और इस सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव लगातार हम देख रहे हैं। ना नियत है ना नीति है, इसी वजह से इस तरह की समस्या लोगों के सामने खड़ी रहती है। चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए, तो गाँव के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि या तो मकान दिए जाएं या फिर पैसा दिया जाए इतना कि व्यवस्था कर पाएं।